कांग्रेस पार्टी की अनूठी पहल पक्षियों के लिए घोंसला तैयार किए गए हैं। हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस पार्टी कोरोना बचाव के लिए आगे आई है। प्रदेश अध्यक्ष ने किट तैयार करवाई है और झुग्गी झोपड़ियों को सैनिटाइज किया जा रहा है, दवाइयां वितरित की गई। कांग्रेस पार्टी के लीगल सेल के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट लाल बहादुर अभियान से जुड़े और झुग्गी झोपड़ियों को सैनिटाइज किया तथा पेड़ों पर पक्षियों के लिए घोंसले लगवाए गए हैं। लीगल सेल के चेयरमैन ने कहा कि कोरोना को लेकर सरकार डेथ रेट छुपा रही है और गांव में कोरोना बहुत ज्यादा फैला हुआ है, सरकार हर मोर्चे पर फेल है। कांग्रेस पार्टी के लीगल सेल के चेयरमैन व एडवोकेट लाल बहादुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के आदेशानुसार हरियाणा प्रदेश में कोरोना के प्रति जागरूकता अभियान चलाया गया है। कांग्रेस पार्टी ने पक्षियों के हिफाजत के लिए घोंसले तैयार किए हैं जो पेड़ों पर लगाए जा रहे हैं, जिससे पक्षी सुरक्षित रह सके। जरूरतमंद लोगों को कोरोना के बचाव के लिए कीट वितरित किए गए हैं, झुग्गी झोपड़ियों को सैनिटाइज किया तथा मास्क भी बांटे गए। उन्होंने कहा कि जिनकी इम्यूनिटी मजबूत नहीं है उन्हें दवाइयां वितरित की गई हैं। उन्होंने बताया कि हिसार जिले में गांव में जागरूकता अभियान के तहत कीट व अन्य सामान दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, साथ ही कोरोना की वजह से डेथ रेट ज्यादा बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कोई सुविधा नहीं दे रही है। उनके खुद के गांव में 25 लोगों की मौत 10 दिनों में हो चुकी है, परंतु सरकारी आंकड़ों के अनुसार 4 लोगों की डेथ की संख्या दर्शाई गई है। उन्होंने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल है। हमारी को देखते हुए हमारी प्रदेश अध्यक्ष बहन कुमारी शैलजा जी ने पूरे हरियाणा में ही आदेश दिए हैं कि अपने अपने स्तर पर हर हलके में हर डिस्ट्रिक्ट में सैनिटाइज भी करें और मेडिकल किट भी बांटें। तो उसी कड़ी में बहन कुमारी शैलजा जी ने मेडिकल किट तैयार करवा करके हमें भेजी है और वो अभियान हमने उकलाना से शुरू किया था, जैसे उकलाना, बरवाला, उचाणा, नारनौल, हिसार, और ऐसे ही ये पूरे हरियाणा में ये अभियान चलाया जा रहा है। जो लोग इलाज ना मिलने की वजह से और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से जो संक्रमित हो रहे हैं उनको मेडिकल किट भी हम वितरित कर रहे हैं और साथ में पूरे एरिया को हम सैनिटाइज भी कर रहे हैं। उसके अलावा जो जरूरत की सामग्री है वो भी हम सब लोगों को बांट रहे हैं। जैसे कि आज का जो हमारा अभियान था, हिसार में जितनी भी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उनको आज सैनिटाइज किया जा रहा है, वहाँ जरूरत की सामग्री बांटी जा रही है, वहाँ मेडिकल किट बांटी जा रही है। अध्यक्षा ने पक्षियों के लिए भी एक ये सोच रखते हुए कि पक्षी भी आज गर्मी का मौसम आ गया है, तो आज से हमने एक पक्षियों के लिए आशियाना स्थापित करने की मुहिम भी छेड़ी है। अभी पीछे हम यहाँ फुहारा चौक पे भी और पीछे बस्ती में भी हमने आशियाना वहाँ स्थापित किया है ताकि उसमें दाना पानी डाल करके और पक्षियों को भी हमें सुरक्षित रखने की एक परंपरा को आगे बढ़ाना है। अलग अलग टीमें बनी हैं, जैसे यहाँ हिसार में भी मेरे साथ हमारे पूर्व जिला के यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं प्रमोद शिवाजी, हमारे हरिकिशन जी, हमारे गीता सियाग जी, डॉक्टर हमारे भूप सिंह जी, हमारे सुनील पवन जी, और साथ ही हमारे खड़े चंद्रहर्ष जी हमारे ढंडूर से भी आए हुए हैं मेरे साथ, और भी हमारी टीम है, अजय जी हैं हमारे वकील साहब, सारे जो है ना इस मुहिम में अपने अपने लेवल पे भी लगे हुए हैं और ये टीम कंटिन्यू एक एक हलके को करते हुए आज ये हिसार में पहुंची। कोरोना जो ज्यादा फैला हुआ है, क्या आप संदेश के लिए हम जैसे जहां भी जाते हैं, अब यहां झुग्गी झोपड़ियों में आए हैं, यहां हमने सभी को संदेश भी दिया है कि आप घर में रहें, कोई जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, मास्क लगा के रखें, सैनिटाइज प्रॉपर हाथों को रखें और जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करें ताकि इस संक्रमण को रोका जा सके, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सरकार इस मामले में बिल्कुल फेल हुई है। वो हर तरह से किसी तरह भी संक्रमण को रोकने में नाकामयाब रही है। कि आम जनता का ही ये रहेगा कि वो इस बारे में सचेत हों, वो प्रॉपर तरीके से जो भी सरकार या आम जो सामाजिक लोग हैं उनको जो गाइड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपना जीवन यापन करें ताकि इसको रोका जा सके। डेथ रेशो की बात करें तो हमें, मैं मेरे गांव की अगर बात करूं जहां से हमने अभियान शुरू किया था, बहन कुमारी शैलजा का गांव है प्रभुवाला, वहां 25 मौत 10 दिन में हुई, जो सरकारी आंकड़ा था वो केवल 4 का था, और जबकि उनके सबके सिम्टम जो थे ना वो कोरोना के थे और कोरोना की वजह से उनकी डेथ हुई। ये आंकड़ा छुपाया जा रहा है, सरकार जानबूझ करके फेल होने की वजह से
सुविधाएं ना देने की वजह से, ऑक्सीजन, दवाइयां, बेड उपलब्ध ना करवाने की वजह से ये आंकड़ा छुपाया जा रहा है। ये आम जनता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। सहूलियत देने की बजाय सरकार केवल लीपा पोती और अपनी वाई वाई लूटने के काम कर रही है। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।